फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक, जो कि आप दिवाली आ रही है, दिवाली के ओकेजन पे। फेस पे टोनर, कोई भी टोनर ले सकते हो, एंड उसके बाद में आप चाहे तो कॉटन से लगा सकते हो, जैसे भी आपको लगाना है पूरा अच्छे से आप उस पर लगा लोगे। उसके बाद में आप लगाओगे, मैं लगाने वाली हूँ मैजिक फाउंडेशन या लैक्मे 925 cc लगा सकते हो, तो मैं आज लगाने वाली हूँ लैक्मे 925 cc। और इसको ब्लेंड करूंगी मैं इससे, इसको थोड़ा सा आप स्पॉन्ज को थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप गीला कर लिया करें, उससे क्या होता है कि के बाद में मैं करने वाली हूँ कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट कर लूंगी। देखिए आपको लाइट मेकअप ज्यादा, एक घर पे ही मेकअप ज्यादा करना है तो इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं करूंगी अपनी आईज का मेकअप, तो मेरा ड्रेस रेड एंड ब्लैक कलर का है, तो मैं करूंगी पहले आउटर क्रीज पे रेड से और उसके बाद ब्लैक, जैसे मैंने की मैं आज नकली पलके नहीं लगा रही, बिकॉज मैं घर में ही मेकअप करने वाली नॉर्मल, तो मैं आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से आई लैशेस के पैकेट आते हैं, मस्कारा से आपकी जो आईज होती है फाइनल लुक इज रेडी, एंड मैं करने वाली हूँ आईज मेकअप डन। मुझसे आंखें नहीं बंद हो रही, ये ड्रेस और साथ में मैंने ये स्कर्ट, तो मैं एक बार इसको पहन लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 2 मिनट में। तो ये कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है, इसके अंदर स्लीव्स भी दे रखी है, तो आप इसको भी कैरी कर सकते हो, आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैरी कर सकते हो, साड़ी के साथ ब्लाउज के साथ भी कैरी कर सकते हो। और सबसे अब चलते हैं, मैं सोचती हूँ बालों के लिए क्या बनाऊँ, या तो कोई छोटी बना लूँ या फिर मैं पफ बना लूँ। ओके, तो मैं डिसाइड करती हूँ, मैं बनाती हूँ पफ। मैसी सब बन, एंड पफ इज रेडी। चाहे तो आप बाल को कर्ल कर सकते हैं, बट मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं कानों में पहनने वाली हूँ
निकाले थे, ये वाले इयर रिंग्स। और ये मैं आपको रिव्यू ऑलरेडी दिखा सकती हूँ, दिखा चुकी हूँ। आपको बताना है कौन से वीडियो में मैंने ये दिखाया था, ये वाला इनका रिव्यू। तो जो ऑलरेडी मैंने पहने उनको एक बार उठा देती हूँ। एंड ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, मतलब जैसे झुमके वगैरह थोड़े हैवी से होते हैं, पर इतने लाइट वेटेड है कि पता ही नहीं लग रहा है। और कहने को लग रहा है ये इतने हैवी होंगे, बट ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है। या तो मैं पफ बना सकती हूँ इसके साथ में, यदि पफ जाएगा तो कैसा लगेगा, या जूड़ा टाइप से कुछ ऐसा। आई थिंक खुले ठीक है, तो इस तरह से कर सकती हूँ। एंड उसके साथ में थोड़ा सेट कर देती हूँ बालों को, जो निकल रहे हैं आपको लग रहा हो तो कॉम कर लेते हैं एक बार। और जो रिमेनिंग बाल निकल रहे हैं यदि लग रहा है तो वहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और एक बार मैं कर लेती हूँ इधर से थोड़ा ब्रेड, ताकि वो अच्छी लगेगी। तो इन तीन बालों को लेके छोटी पोस लेती हूँ एक बार को। जल्दी से मैं बता देती हूँ मैं इसका क्या करने वाली हूँ। फिलहाल ये जल्दी भी बन जाएगी इस तरह से। आप एक ब्रेड बना के जल्दी हो, जितनी जल्दी करते रहो उतनी जल्दी बाल खुल जाते हैं। ओके जल्दी जल्दी हो जा, बस इतने से रह गए हैं। और इसके बाद में इसके साथ में मैं करूंगी इसके पीछे की साइड से ले जाते हुए और कानों के पीछे से, और इन बालों को खोल दूंगी मैं। और पिन से सिक्योर कर लूंगी इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है पीछे से, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। एंड सेम इस तरह से आप करना चाहे तो कर सकते हो, मैं लेकिन इधर से नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक साइड से कर रही है फोकस करने के लिए। एंड से आप लगाना चाहे तो कोई भी जैसे आपके फ्लावर्स वगैरह होते हैं तो आप लगा सकते हैं। आप कोई भी आप ट्राई करना चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। एक सेकेंड, आपको लगता है तो इस तरीके से यहाँ पे इसको मैं पिन के साथ में अटैच कर लूंगी, तो वो कुछ इस तरह से कान के पीछे जाएगा, चोटी के साथ ही जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से लगेगा लगने में। एंड साथ में मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये मैंने जो चोटी बनाई उसी चोटी के साथ में ये इस तरह से कान के पीछे जा रहा है एक साइड से, एंड बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आपको लग रहा है तो एक सेकेंड मैं और दिखा देती हूँ। जो ये चोटी ली है मैंने, अच्छा ऐसा करती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे लिया एंड उसके बाद में इसी चोटी के साथ में मैं इसको थोड़ा रोटेट करके, चलो ऐसा करती हूँ इसके डिज़ाइन को ही चेंज कर देती हूँ मैं। एंड इस बालों के साथ में एक हेयर बैंड लुक दे देते हैं, इसको एक और तरीके से कैरी कर सकते हैं, ये देखिए। एंड उसके बाद में एक हेयर बैंड लुक आ गया। एंड और जो रिमेनिंग है ये जो एक्स्ट्रा है उनको खोल देती हूँ मैं, तो ये चोटी की तरह बन गया। एंड मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको उठा देती हूँ, ठीक है। एंड आप बताना ये चोटी कैसी लग रही है, जो चोटी को मैंने गूंधा है।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ना भूलना। एंड एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ अच्छे से दिवाली मनाइएगा एंड सारे फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल, नेवर गिव अप, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।